हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब को बहुत बहुत गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा @RAFreeClasses में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा YouTube चैनल RA क्लासेज में चलिए। कल क्या पढ़ा रहे थे? रीजनिंग कल पढ़ा रहे थे आप लोग को, और उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे। आवाज़ जा रही है आप लोग को? क्या पढ़ा रहे थे कल? ब्लड रिलेशन। चलिए, चलिए, रक्त संबंध, इसको क्या कहते हैं? संबंध। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना शेयर से शेयर हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ अपडेट भी मिलता रहे। कोशिश करूँगा कि आपको हर एक, बस आप लोग के सहयोग से मैं भी आगे बढ़ते रहूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। कल तो कहाँ तक बताया था मैं, पता नहीं, थोड़ा बहुत तो बताया ही था।
चलिए क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, राजीव अतुल, एक सेकेंड, थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि राइटिंग भी सुधर जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह से ऑनलाइन के लिए राइटिंग सही से बैठ नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, बहन है अतुल, अतुल सोनिया का पुत्र है तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, भतीजा, दूसरा में पुत्र, तीसरा में भाई और चौथा में पिता। चलिए बताइएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता पाएंगे, और आप लोग का कमेंट का ही वेट करूंगा। जितना से ज़्यादा आप कमेंट करें, कमेंट करके आंसर बताने का कोशिश करें, ताकि मैं भी आपको समझा पाऊँ, ताकि अगर नहीं कोई दिक्कत आ रहा हो समझाने में तो उसको और कई तरीके से समझाने का कोशिश कर पाऊँ। कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करने के लिए टाइम है, बाकी मैं तो बताने के लिए तैयार ही हूँ, लेकिन एक बार टाइम देना चाहता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। चले बताएं, कोई बात नहीं, नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूं ही बताने के लिए। चलिए
कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजीव अतुल का भाई है ना? राजीव है जो अतुल का क्या रिलेशन है? भाई, अतुल का भाई है। सॉरी, कोई बात नहीं, भाई ही है। चलिए, अतुल का भाई है, ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है, पहले ये नहीं देखेंगे, ठीक है। अतुल से रिलेटेड, अतुल सोनिया का पुत्र है। सोनिया, ठीक है। सोनिया जो है, सोनिया का पुत्र कौन है? ये हो गया पुत्र, कौन हो गया? अतुल, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब अतुल फिर कह रहा है, सोनिया सुनील की बहन है, सुनील की बहन कौन है? सोनिया बहन, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है, यह बताए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? इसका पूछ रहा है, क्या संबंध है सोनिया से? इस दोनों का जो रिलेशन होगा वो क्या संबंध है, जो पूछ रहा है, ये दोनों का रिलेशन बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों भाई है, ठीक है ना? ये भाई है और ये भाई है, तो जो संबंध इससे रहेगा सोनिया का, उसी संबंध इससे रहेगा, ठीक है। ये भी पुत्र हो गया ना, मतलब दूसरा आंसर। चलिए, राइट आंसर है, चलिए आगे बनाइए। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। सॉरी, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है।
तो ए का ए का डी से क्या संबंध है? ऑप्शन दे क्या? पहला ऑप्शन दादी या नानी का, सॉरी फिर से लिख दे रहा है, ऑप्शन ठीक से नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। दादी या नानी, बहन या माँ, तीसरा माँ या बहन मौसी। दादी या माँ, चलिए बनाइएगा। चलिए थोड़ा जल्दी में आंसर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। कह रहा है ए बी की, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ठीक है। फिर कह रहा है सी ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, उसके बाद कह रहा है डी ई का भाई है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ठीक माँ हो गई। अब सी जो ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, बी की माँ हो गई, ठीक है। चलिए फिर से इसका सही से बना से दूर हो के तो ठीक रहेगा। कह रहा है ए बी का माँ है, ठीक, सी
सी ए का बेटा है, ठीक, डी ई का भाई है, का भाई है, और सॉरी ई का भाई है डी, ठीक, तो ये हो गई माँ। अब क्या कह रहा है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, ठीक है, तो दादी या नानी का, मतलब पहला आंसर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आ जाएगा तुरंत समझ में। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन ही लिखते हैं। ए बी का भाई है, ठीक, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई है, तो ई और सी से किस प्रकार प्रकार का संबंधित है, ऑप्शन लिखिएगा, बहन, साली, भतीजी, चौथा में पत्नी। ये तो बन जाएगा, चलिए आंसर बताइएगा, वेट कर रहे हैं आपका, बस एक क्वेश्चन और लिखवाऊंगा, इसके बाद बड़ा रिलेशन हटाऊंगा, अगला चैप्टर फिर शुरू करूंगा, इसलिए इसका आंसर बताइएगा, तो और बताने की कोशिश करूंगा अलग से।
नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोग को आ गया है तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बताते हैं। कह रहा है ए है बी की का भाई है, बी का भाई, ठीक है। अब कह रहा है, अब सी खोज रहा था, सी हम नहीं देखेंगे पहले ई देखेंगे, ठीक। उससे रिलेटेड बी ए बी तो माता है, बी ई जो है बी का माता है, ये कौन है ई, ये क्या है माता। चलिए ठीक। अब कह रहा ए और डी का भाई है, ए है जो कि डी का भाई है, चलिए आंसर राइट है। उसके बाद कह रहा है डी के बाद सी, सी डी का पिता है, जो डी है सी का पिता है, पिता है। तो देख रहे होंगे कह रहा है तो ये एक पिता हो गया और ये माता हो गया, तो सी और ई और सी से किस प्रकार का संबंध है, तो पत्नी का है, इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए मतलब बड़ा रिलेशन आप बना लेंगे। चलिए अगला चैप्टर शुरू करने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत इजी को है, बहुत हार्ड नहीं है, दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चलिए लिखिएगा। एस वाई एस टी ई एम ए टी आई सी, सिस्टमैटिक ऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं सार्थक क्रम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए
गए शब्द दो का सार्थक क्रम दर्शाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अक्षर मुहावरा शब्द वाक्य ऑप्शन है एक में एक तीन चार दो, दूसरा ऑप्शन है एक तीन दो चार, तीसरा ऑप्शन है दो तीन एक चार, चौथा ऑप्शन है चार तीन एक दो। चलिए बताइएगा। तो इसमें यही है, कुछ नहीं है, बस इसमें समझना है। समझना क्या है? कहा जाता है कि निम्नलिखित में चार विकल्पों में से समानार्थक शब्द, मतलब कि इसके बाद क्रम वाइज क्या होगा। समानार्थक शब्द का मतलब क्रम वाइज। तो जब सबसे पहला वर्ड कौन सा, जब कोई भी जैसे आपको खाना बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या बनाना है ये सोचेंगे। डिसाइड कर लिए कि आपको क्या खाना बनाना है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। दूसरा पॉइंट पे ये जो देखेंगे कि क्या क्या सामान को जरूरत पड़ेगा, गैस चूल्हा बर्तन जो भी है उसकी मटेरियल, तो वो सब की जरूरत पड़ेंगे तो वो आप सोचेंगे दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे फिर क्या करेंगे, फिर जो भी रहेगा बनाना उसको, अगर सब्जी बनाना है तो कटिंग करेंगे हम, तो वो जो सीरियल वाइज आता है कि पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, तो ये क्रमबद्ध होता है। तो सबसे पहला क्रम कौन सा होगा, अगर किसी मतलब कोई शब्द लिखना, वाक्य लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे। बताइएगा थोड़ा सा आपके लिए। चलिए बताते हैं। सबसे पहले अक्षर होता है, ठीक है, पहले किसी चीज़ का अक्षर है, पहले आप का ख ग ग ये सब अक्षर होता है, पहले ये डिसाइड किए पहला नंबर पे, ये हो गया पहला। दूसरा नंबर पे जब अक्षर डिसाइड हो गया तो दूसरा शब्द हो गया, सॉरी, ठीक है, दूसरा शब्द हो गया। इसके बाद क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा, मुहावरा, लास्ट में मुहावरा बनेगा। अब देखिए सीरियल वाइज में कौन आ रहा है, पहले एक नंबर आ रहा है, ठीक, सब में एक आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहा तो मतलब खत्म हो गया। अब ये दोनों डिसाइड करेंगे, दूसरा नंबर मेरा शब्द आ रहा था, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
तीसरा नंबर चार नंबर आना चाहिए, तो ये चार है। क्या ठीक है, हो गया। फिर वाक्य कहाँ गया, चार मुहावरा बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, समझ में तो आ ही गया होगा। एक नंबर में बिजली, दो में बांध, तीन में रोशनी, नदी, पांच में शक्ति, संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन लिखिएगा। चार, दो, एक, तीन, पांच। दूसरा में चार, दो, पांच, तीन, एक। तीसरा में चार, दो, तीन, एक, पांच। चौथा चार, दो, पांच, एक, तीन। चलिए बनाइएगा। क्या आंसर होगा बताइएगा फटाक से, देरी नहीं। फटाफट आंसर बताते जाइएगा, तब अच्छा रहेगा समझने के लिए। बताएं? चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, बताता हूँ। देखिएगा, हम लोग के घर में बिजली आती है। अब बताइए बिजली के लिए सबसे पहले क्या किया जाता होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है? तो पहले तो नदी,
कि बिजली कहाँ बनाना है, तो नदी का पानी देखा जाता है कहाँ पानी ज़्यादा है जहाँ डैम बनाया जा सके। पहला नदी का चॉइस हुआ। दूसरा अब क्या करेंगे हम, तो उसके बाद बांध बनाएंगे, दूसरा हो गया। बांध बनाने के बाद मशीन सेटअप करेंगे हम, तीसरा हो गया, जो मशीनरी का ज़रूरत पड़ेगा बांध के ऊपर, ठीक है। फिर बिजली उत्पन्न करेंगे मशीन से हम, चौथा हो गया। उसके बाद रोशनी उत्पन्न होने लगेगी, मतलब पांचवा। चलिए तो चार नंबर सबसे पहले आया है, चार नंबर सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। चलिए दूसरा नंबर मतलब दो नंबर है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। चलिए ठीक है, फिर दो नंबर हो गया, ये भी कट गया, ये भी हो गया। अब तीन नंबर मतलब पाँच, पाँच इसमें नहीं है कट गया, पाँच इसमें है ये रहेगा, इसमें नहीं है कट गया। चलिए पाँच हो गया। चलिए अब चौथा मतलब एक नंबर, एक नंबर इसमें नहीं है कट गया, इसमें है, ये तो पहले से कटा हुआ था, अब ये बचा, ठीक है, ये भी हो गया। पाँच तीन नंबर, तीन नंबर इसमें है, इसका मतलब चार नंबर आंसर। अगर ये बैठ गया तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। वर्षा बाढ़ दबाव बचाना बचाना और पांचवा नंबर पे मदद, ठीक है। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है एक दो तीन चार पाँच, दूसरा ऑप्शन है तीन एक दो चार पाँच, तीसरा ऑप्शन है चार पाँच तीन दो एक, चौथा ऑप्शन है तीन दो चार पाँच एक। चलिए बताइएगा, फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं। उम्मीद करते हैं कि तुरंत आंसर मिल जाना चाहिए। चलिए क्या आंसर होगा,
चलिए बताते हैं। देखिए मौसम की दबाव हुआ, मौसम में दबाव हुआ, पहला मतलब दबाव मतलब मौसम जो है उसमें दबाव हुआ, मतलब मौसम बना तो बारिश हुई। दूसरा नंबर, फिर बारिश होने लगा तो बाढ़ आ गया। तीसरा नंबर, जब बाढ़ आ गया तो बचने के लिए हम लोग भागेंगे। चौथा हो गया, बचने के लिए भागे, उसके बाद हम लोग मदद मांगे। पांचवा, कौन दे रहा है? देखिए एक इसमें भी है, एक नंबर में तीन है तो ये तीन नहीं है तो मतलब कट गया। इसमें भी तीन नहीं है, कट गया पहला। इसमें तीन है और इसमें तीन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दो नंबर, दो नंबर में वर्षा कह रहा है तो एक नंबर उसमें आ रहा है तो इसमें एक है और इसमें दो है, उसका मतलब ये भी कट गया, मतलब सही आंसर यही होगा, देख लीजिएगा। फिर कह रहा है तीन नंबर में दो है, ठीक है। चार नंबर में चार है, चार है। पांच नंबर में पांच है, पांच है, इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इस तरह का जो भी पैटर्न रहेंगे आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और दे, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लिखिएगा। वयस्क पहला में, दूसरा में बच्चा, तीसरा में शिशु, चौथा में बालक, पांचवा में किशोर। ऑप्शन लिखिएगा। वन थ्री फोर फाइव टू, दूसरा ऑप्शन थ्री टू फोर फाइव वन, तीसरा ऑप्शन टू थ्री फाइव फोर वन, चौथा ऑप्शन टू थ्री फोर वन फाइव। चलिए बताइएगा। आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर बताए, वेट कर रहे हैं आपका आंसर का, बताएं हम। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा।
पहले बच्चा मतलब शिशु जो होता है, जिसको कहा जाता है शिशु को 5 साल के अंदर में जो रहता है उसको शिशु कहते हैं, मतलब पहला नंबर, पहला नंबर, ठीक है, शिशु हो गया। दूसरा उसके बाद बच्चा, बच्चा के बाद फिर उससे बड़ा हो गया तो बालक कहलाता है। बालक के बाद किशोर हो जाता है, किशोर के बाद वयस्क हो जाते हैं, ठीक। तो पहला नंबर मतलब 3 नंबर, 3 नंबर किसमें है, सिर्फ दोन में, बाकी में किसी में नहीं है। यहीं पे आंसर हो गया। चलिए आपको चेक करने के लिए बता देते हैं, 3 हो गया, 2 2 नंबर में 2 आ रहा था, 2 हो गया, फिर हम बालक हो जाएंगे, बालक को फिर बालक हो गया, फिर किशोर हो गया, बड़ा हो गया उससे, किशोर हो गया, फिर वयस्क हो गया, वयस्क हो गया। क्या सही है, इज राइट आंसर, कितना इजी है। तो इसको चाहेंगे तो मौखिक भी बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको मतलब बच्चा को, शिशु को बड़ा होता है तो बच्चा कहते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बालक कहते हैं, बालक की, अब बालक जब बड़ा हो जाता है तो किशोर अवस्था में आता है, किशोर के बाद अब वयस्क हो जाते हैं, बस वयस्क के बाद बूढ़े हो जाते हैं। क्या इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद करें। आगे बढ़ें, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ये आप लोग बना लेंगे, उम्मीद तो करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग में लगभग का मैं बता ही दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि रीजनिंग का लगभग आप बना लिए होंगे, और जो छूटा होगा चैप्टर अगर, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से, फिर शुरू से एक बार और पढ़ा दूँगा ताकि किसी तरह का छूटे नहीं, ठीक है। जो भी आपका छूटा होगा वो बता दूँगा, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो और आप लोग कर पाए। चलिए चलिए नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करते हैं, और मैं बस चलिए। मैथ का क्लास शुरू कर रहा हूँ,
काम और समय। ठीक है, चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं, ठीक रहेगा, काम और समय। रीजनिंग का लगभग मैं तो पढ़ाई दिया हूं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैथ में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं और ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। आठ पूर्णांक 2/5, 8/5/2, 5/8/2, 10/2/5। बताइएगा, शायद मैं पढ़ाया था इसको, अगर आपको याद होगा तो इसको पढ़ाया हूँ, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है,
मैं पूरा बताऊंगा, आप कोशिश आप लोग थोड़ा कीजिए, मैं तो हूँ ही बताने के लिए। चलिए बताते हैं। देखिएगा, ए और बी 10 और 12 दिन, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करता है, 10 दिन और 12 दिन। ठीक, तो दोनों कितना दिन में, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा ना, 12 पचे 60 हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 बार में भाग देंगे, ये कितना हो गया, 5। ठीक, चलिए अब कह रहा है दोनों मिलकर ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, ए प्लस बी, ठीक है, कितना दिन तक, 3 दिन बाद दोनों कितना करता है, 3 दिन। ठीक, 3 गुने कितना है, दोनों इधर 11। ठीक है, कितना हो गया, 33। तो बी कह रहा है, बी ए ने काम छोड़ दिया है, तो बी पूरा कितना दिन में किया, तो 60 माइनस 33 कितना हो गया, 27। ठीक है, अब कह रहा है काम खत्म हुआ, तो 27 बटा B का तुलना B से, B का तुलना B से करेंगे तो 27 आया, 27 भागे 27। चलिए यहाँ पे करते हैं 27 भागे 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 पूर्णांक 2 बटा 3, 5 पूर्णांक 2 बटा 5 होगा ना। हाँ, चलिए तो यहाँ पे लिखें, देखिएगा यहाँ पर काट के कितना आएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 5 पूर्णांक 2 बटा 3। ठीक है, इतना आया 5 पूर्णांक 2 बटा 3, और 3 दिन बाद, 3 दिन तक साथ काम किया था ना, तो 3 दिन तक 3 जोड़ देंगे, तो 5 पूर्णांक 2 बटा 5 आएगा ना, ये 3 नहीं है, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 5 लिखेंगे। चलिए अब हो गया 5 3 8 2 बटा 5 इज राइट आंसर, क्या सही है, समझे। चलिए एक इधर ऑप्शन देते हैं, या तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं आप,
ए बी, ठीक है इतना तक तो आ गया। चलिए 3 दिन तक काम किया था ये, टोटल हो गया कितना, 18 दिन। ठीक, यहाँ 60 दिन टोटल था, उसमें से बी का 18 दिन घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 42। 5 क्यों, बी का तुलना बी से काटेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 8/2/5, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ें। चलिए कोई बात नहीं, फिर समझने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं आया है, जब तक नहीं आएगा तब तक लगे रहेंगे, है ना। एक द माउंटेन ऑफ मांझी का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, इस तरह का डायलॉग। तो उसी तरह से हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। और पूरा काम नौ दिन दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमशः दस और 15 दिन में करते हैं तो पहला ऑप्शन
4 दिन, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 3। चलिए आंसर बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ए और बी 10 दिन, कह रहा है ए और बी साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिनों कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ। तो छोड़कर ये ए और बी कह रहा है ना, 10 दिन और 15 दिन में, ठीक है, 10 दिन और 15 दिन। चलिए ठीक है, दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो गुणनखंड 30 हो गया, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ठीक है। चलिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन किया, 30, ठीक है। बी बी क्या कह रहा है, ए छोड़कर चला गया अब पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो बी अकेले कितना दिन में किया था, 9 × 2 = 18, तो 30 − 18 एक दिन, ठीक है, तो कितना आ गया, 18। इसका तुलना, ए का तुलना ए से, तो ये आ गया 12, 3 × 12 क्या, 4 दिन। आंसर सही है, एक नंबर। बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, क्या इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़े,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखिएगा क्वेश्चन को। चलिए तीसरा क्वेश्चन। दो आदमी किसी दीवार किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे के में बना सकते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वो दो सौ अस्सी ईंटें प्रति घंटे कम लगाएं लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे घंटे में बना देते हैं तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। आठ सौ चालीस, 84 सौ, 86 सौ, 85 सौ। चलिए ऑप्शन दे दिए हैं, बताइए आंसर बताइए।
बताएं? चलिए बताते हैं, कोई बात नहीं, देखिएगा क्या कह रहा है। दो आदमी क्रमशः 15 और 20 घंटा काम करता है, मतलब ए और बी, ये 15 घंटा काम करता है और ये 20 घंटा। ठीक है, दोनों मिला के कितना घंटे करते हैं? 60 घंटा। ये कितना हो गया? बीतिया 60, ये हो गया 15 6 60। ठीक है, अब कह रहा है अगर वो साथ मिलकर, यहाँ पे था काम, देखिए साथ मिलकर काम करें तो यहाँ दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस बी, तो कितना हो रहा है? 4 3 12, और कितना हो रहा है दोनों मिलकर? 60। ठीक है, और ऐसे कितना हो रहा है? 4 3 12, मतलब 5। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? 80 लीटर के इतना इतना कम में होता है, दीवार लगाने 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो कह रहा है ए प्लस बी बराबर कितना? तो 4 और 3 कितना होगा? 7। ठीक, फिर कह रहा है ए प्लस बी बराबर, हम लोग निकाल चुके हैं ए प्लस बी बराबर, यहाँ 5 निकाल चुके हैं यूनिट। ठीक, तो दोनों का डिफरेंट कितना है? 2 का, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 280। तो 1 यूनिट बराबर 280/2 बराबर 140। तो कुल ईट, मतलब कुल ईट के बराबर हो जाएगा कितना? करा ना, कुल ईट संख्या कितना है 12 घंटे में? तो 140 एक घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, या तो 60, ये दोनों आया था ना डिफरेंट, तो कितना हो गया? 14 6 84, 2 0 है, 2 0 लगा देंगे। इज राइट आंसर कौन सा है? 2 नंबर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती
क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थिति अस्थाई चाल से एक समय पर जलना शुरू करे तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उसकी ऊंचाई का अनुपात दो अनुपात तीन होगा। पहला ऑप्शन 2:5, दूसरा ऑप्शन 5:8, तीसरा अनुपात 2:3, चौथा 3:5:8। चलिए बताते हैं, कह रहा है क्या। चलिए यहाँ सुधारते ए और बी, कितना कह रहा है 4 और 6 घंटे, 4 और 6 आवर्स, ठीक। दोनों का कितना हो गया 12, ठीक। 3 ये हो गया, 3 × 4 = 12 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब कह रहा है पूरी तरह जल जाता है, दोनों अपने अपने स्थाई पर एक ही समय में जलना शुरू करे तो ज्ञात करेंगे कितना समय, ऊंचाई का 2 इंच, ठीक है। तो कह रहा है 12 - 3 टाइम के बारे में टी, 12 - 2 टू टाइम, अनुपात दिया हुआ 2:3, 2/3, ठीक है। तो हो जाएगा, गुना कर देंगे तिरछा में, छोतिया हो जाएगा ना, जब ये लेंगे एलसीएम लेके करेंगे तो आ जाएगा 36 -
9t ठीक है बराबर, या टी है 9t, इधर हो जाएगा 24 माइनस 4t हो गया। बारह तीया 36, 3 तीया 9, 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 4, ठीक है इतना तो समझ में आ गया होगा। तो घटा के कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करके, तो पट्टी को टी की तरफ करेंगे तो इधर 5t बराबर हो गया 12, ठीक है तो टी बराबर हो गया 12/5। अब 12/5 को लिख सकते हैं 2 अनुपात 2/5, अगर करेंगे 5 दूनी 10, 10 दू 12, 12 वही आ रहा है घंटा। क्या आंसर कौन सा सही है, एक नंबर। अब क्या समझ में आया, तो बन पाएंगे। अब क्या उम्मीद करें कि आप लोग से बना पाएंगे आप। चलिए आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको बना लीजिए, वर्क एंड टाइम को, और जो नहीं बनेगा कल बनाने का कोशिश करेंगे आपको फिर से। ठीक है चलिए, धन्यवाद, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू। गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। चलिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, @RA फ्री क्लासेस। यूट्यूब चैनल पे है, लाइक एंड शेयर जरूर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं कल, मैं इसी चैप्टर में इसके आगे का जो भी है वो पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।